कई युगों से हमारे पूर्वज इस धरती पर सुख शांति से जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन एक दिन अघोरी देश से वेताल जाति के कुछ असुरों ने हमारे देश पर हमला बोल दिया और हमारे सभी इलाकों पर कब्जा कर लिया। वेताल जाति के लोगों की ताकत साधारण मनुष्यों की ताकत से कई गुना ज्यादा थी। उनकी आंखें नीले रंग की होती थी, क्रोध आने पर उनके दो दांत लंबे हो जाते थे। वेताल लोग जहां रहते थे उस जगह का नाम वेताल देश पड़ा। ये देश अब 56 गांवों के ऊपर राज करने लगा था। उनका राजा एक विशाल अभेद्य किले में रहता था। बिना उनकी आज्ञा के यमराज भी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। किले में महाराजा अपनी बेटी राजकुमारी यमन रानी के साथ रहते थे। नेक दिल राजा अपनी प्रजा की भलाई के लिए ही सोचते रहते थे। पूरे राज्य में सुख और समृद्धि फैली हुई थी। राजकुमारी यमन रानी के पास कई सारी जादुई शक्तियां थी। जब वो किसी बेबस असहाय इंसान पर जुल्म होता हुआ देखती तो उनके क्रोध का ज्वालामुखी दहक उठता। वो अपनी जादुई शक्ति से अन्याय करने वाले को मौत से भी बदतर सजा देती थी। राजकुमारी की शादी एक वेताल से हुई थी, जिससे उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई। राजकुमारी की ये खुशी भरे दिन किसी सुंदर सपने से कम नहीं थे, जो कि बहुत जल्दी टूटने वाले थे। महाराज ने जल तरंग को अपना दलपति नियुक्त किया। ये पद मिलते ही उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने किसी साधु की मदद से एक खूंखार चीते को अपने वश में कर लिया था, जो गांव के लोगों का भक्षण करने लगा। एक खुशहाल देश पर जुल्म और अत्याचार के काले बादल मंडराने लगे। ऐसे में उनकी मदद सिर्फ एक ही इंसान कर सकता था। अपनी आंखों के तेजस से ही पूरा 10 लोगों को मारने की शक्ति है हमारे पुलीवीर में। अब बुलाओ अपने पुलीवीर को, बुलाओ। आज क्यों रहा? तुम्हें आहार सुनाई नहीं दी? हमें बचाने आई शक्ति और तुम्हें मिलेगी मुक्ति। पुली गांव वालों का रखवाला, एक महान योद्धा, अस्त्र शस्त्र की सभी विद्याओं में निपुण, 100 दुश्मनों को अकेला मार गिराने वाला एक फौलाद था। पुली के नाम से ही दुश्मन थरथरा कर कांपने लगते थे। पुली कोई और नहीं बल्कि महाराजा के मुंह बोले भाई का बेटा था।
पुली राजमहल के ऐशो आराम को छोड़कर गांव के लोगों के साथ रहता था ताकि उनकी भलाई के लिए काम कर सके। इस समय पुली के जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली थी। उसकी पत्नी पुष्पा बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। आज इन 56 गांवों को अगर कोई बचा सकता था तो वो सिर्फ पुली था। बोली माँ जी, हमारे वीरों को ही वो क्यों इस तरह बांध के बुरी तरह मार रहे? तुम लोगों की गलती है या फिर राजघराने की? वो जो नया बना है दलपति, उसी जल तरंग की वजह से बेटा। पूरे 56 गांव है यहाँ आसपास। यहाँ सालों से दो पूजा होती आ रही है। एक तो बीज बोते वक्त होने वाली उत्तर पूजा और दूसरी फसल काटते वक्त होने वाली पाद पूजा। पर इस शैतान जल तरंग के आने के बाद पाद पूजा ही नहीं हुई। अब परसों पाद पूजा करनी है, लेकिन नहीं होगी बेटा। होगी माँ। हाँ? परसों के दिन विंध्यनगर में पाद पूजा होगी। मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। ये पुलीवीर नाम कमाने के लिए पैदा नहीं हुआ है, अपनी जनता की सुरक्षा के लिए पैदा हुआ है। महाराजा और राजकुमारी जल तरंग के खौफनाक इरादों से एकदम अनजान थे। पुली ने एक संदेशवाहक के जरिए उन्हें सच्चाई बताने की कोशिश की कि किस तरह वेतालों की सेना गांव वालों पर जुल्म कर रही थी। इस खबर से महाराज और राजकुमारी परेशान हो गए। जल तरंग सावधान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं पुली उसकी सच्चाई को महाराज के सामने उजागर न कर दे। उसी दिन जल तरंग अपने गुरु कुडवरी नामक दुष्ट मुनि से मिलने गया। उन्होंने उसे एक शक्तियों से भरी अंगूठी दी और कहा, तुमने मुझे जो राजकुमारी यमन रानी का बाल ला कर दिया था, उस पर जादू टोना करके शमशान में तप करके मैंने पूरी शक्ति से यह अंगूठी बनाई है। उस गुरु की दी हुई अंगूठी को दबाने से हरा धुआं बाहर आकर फैलने लगा। वो धुआं आहिस्ता आहिस्ता राजकुमारी की तरफ बढ़ने लगा और जिस तरह शैतानी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश करके उसे वश में कर लेती है, उसी तरह उस धुएं के जरिए राजकुमारी हमेशा के लिए जल तरंग के वश में हो गई। जल तरंग ने अपने काले चीते से राजकुमारी के पति को मार दिया। राजकुमारी ने इसे एक बुरा हादसा समझकर चीते को ही जिम्मेदार माना। सम्मोहन में कैद राजकुमारी की आड़ लेकर जल तरंग ने महाराज को कारागार में कैद करवा दिया। अब राजमहल उसकी मुट्ठी में था। विंध्यनगर में पूजा पाठ बड़ी धूमधाम से हो रही थी और तभी पुलीवीर, दिखने में तो बिल्कुल बाघ जैसे हो। सिर्फ दिखने में ही नहीं, डरिए मत, वो आपके बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं। हर हाल में उन्हें बचाऊंगा। एक कदम आगे बढ़ाया तो सारे बच्चे मारे जाएंगे। जीवन में खुशियां बांटने वाले स्वर्ग से सुंदर होते हैं बच्चे, उन्हें मारकर कौन से नरक में जाना चाहोगे? शासन को अपने हाथ में लेने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं। जब तक हम जीवित हैं, ये नहीं हो सकता। तुम्हारे आते ही इन सब का डर भाग गया और वो डर तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है। दुष्ट के पास हजार औजार होते हैं, भले के पास सिर्फ एक होता है, वो है प्रजा। अगर तुम चाहते हो कि उनके शरीर से खून की एक भी बूंद बाहर ना आए, तो तुम्हें इस विष को पूरा पीना होगा बिना एक भी बूंद गवाए, वो भी इसी वक्त।